कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानिब से फाइल ट्रांसफ़र के लिए एक पूरी प्रॉपर पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है अपने इन्वेस्टर्स हज़रात के लिए। आज उसी के ऊपर हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। इस पॉलिसी को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानिब से कौन से पॉइंट्स सामने आए हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो तमाम लोग जिन लोगों ने 2017 के अंदर, 2018 के अंदर, 2019 के अंदर फाइल्स ली थी लेकिन उनकी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 10% है या फिर सिर्फ 20% है, तो उन तमाम लोगों की जो फाइल्स हैं वो कंसिडर नहीं की जाएंगी, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये उनका पहला पॉइंट है। लेकिन अगर आप इनको अनब्लॉक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक तरीका मुतारिफ करवाया गया है। अपने दूसरे पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं तो 2017 की जितनी भी फाइल्स हैं हमारे पास यहाँ देखने को मिलती हैं, अगर आपकी 100% पेमेंट क्लियर हो जाती है तो वो फाइल आपकी अनब्लॉक हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं 2018 की फाइल्स की, तो अगर उनको 65% या फिर 70% पेमेंट उनकी की जाएगी तो उन फाइल्स को अनब्लॉक करवा सकते हैं आप। इसी तरह से अगर आपकी 2019 की फाइल है उसके अंदर आपने मिनिमम 50% पेमेंट करवानी है और आपकी 1 ईयर रीस्केड्यूल होगी पेमेंट और उसके बाद आपकी फाइल अनलॉक हो जाएगी। 2020 पे आ जाते हैं तो 2020 के जितनी भी फाइल्स हैं हमारे पास कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानिब से उनके अंदर आप अपनी फाइल इजीली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं 20% पेमेंट के साथ, और उसके अलावा आपने 3 क्वार्टरली जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको पे करना है, इसके बाद आपकी फाइल जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। 2021 की बात करें तो उन तमाम लोगों के लिए जो वहाँ फाइल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं अपनी, उन्होंने अपनी 20% पेमेंट क्लियर करवानी है विद 2 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, तो आपकी जो पेमेंट है, आपकी जो फाइल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह से 2022 की अगर बात करते हैं तो उनकी जो फाइल है वो ट्रांसफ़र हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 20% पेमेंट के साथ। ये तो थे तमाम रेजिडेंशियल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स अभी बताए हैं ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से हैं। अब आ जाते हैं कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर। कमर्शियल अगर हम लोग प्लॉट्स पे आ जाते हैं तो कमर्शियल प्लॉट की आप लोग मिनिमम 60% पेमेंट करके विद 6 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आप लोग फाइल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लेकिन ये हायर होगा फर्स्ट ट्रांसफ़र के टाइम। आप अगर फर्स्ट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं उस वक्त ये 6 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होगी और 60% आपकी पेमेंट क्लियर होनी चाहिए, और जब आप सेकेंड टाइम करवाते हैं सेकेंड ट्रांसफ़र के ऊपर आपकी मिनिमम 60% पेमेंट क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड ट्रांसफ़र केसेस यही होंगे कि जब आप जिस साल के अंदर आपने फाइल ली है उसी तरह से उसको ईयर ऑफ ट्रांसफ़र के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, और जो अबव पॉलिसीज़ मैंने आपको जितनी भी अभी आपको मैंने पॉलिसीज़ बताई हैं वो उसी तरह से एप्लीकेबल होंगी सेकेंड ट्रांसफ़र के ऊपर। और अब बैलेटेड प्लॉट्स के ऊपर आ जाते हैं कि उनकी कैसे ट्रांसफ़र होगी, तो बैलेटेड प्लॉट को इसी तरह से प्रेफरेंस मिलेगी कि जिसके तमाम ड्यूज़ क्लियर हैं, लेट्स सपोज किसी के 100% ड्यूज़ क्लियर हैं तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, और जिसके ड्यूज़ लेट्स सपोज 10% हैं, 20% है, बैलेटेड फाइल्स हैं उनकी, तो उसको उसी तरह से लास्ट में प्रेफर किया जाएगा। तो बेहतर है कि आप अपने तमाम ड्यूज़ को फ़ौरन क्लियर करवा लें और इसी तरह से आपकी जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसी हिसाब से एप्लीकेबल होगी, उसी हिसाब से आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। 2020 में और 2021 के अंदर जिन लोगों ने फाइल्स ली हैं उनके पेमेंट प्लान्स का इस तरह से होगा कि अगर उन्होंने मंथली बेसिस के ऊपर अपनी फाइल को ट्रांसफ़र करवाना है तो उन लोगों की मिनिमम जो है 6 इंस्टॉलमेंट क्लियर होनी चाहिए उन्होंने, और ये सिर्फ ये पॉलिसी सिर्फ उन लोगों की है जिन लोगों ने फाइल ली है 2020 के अंदर और 2021 के अंदर उनकी मंथली बेसिस पे जो है फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह से जी ये थे आज के वो 11 हमारे पास पॉइंट्स आए हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानिब से, और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है। इसी के साथ साथ हम लोग ये जो पॉलिसी का पूरा पेपर है ये हम लोग आपके बिल्कुल सामने भी लगा देते हैं ताकि आप इसको कम्प्लीटली पढ़ सकें और ख़ुद तसल्ली कर सकें। और इसी के साथ साथ अगर जिनके ड्यूज़ क्लियर नहीं है वो अपने फ़ौरन से ड्यूज़ क्लियर करवाएँ, और जिस तरह से जिन्हों 2017 फाइल्स ली हैं 2022 तक जिन लोगों की भी फाइल्स का क्राइटेरिया है वो बता दिया गया है इस पॉलिसी के अंदर, तो आप अपनी फाइल्स को इजीली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इस पॉलिसी के मुताबिक। ये थे कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानिब से वो तमाम हाईलाइटेड पॉइंट्स जो कि आपको फॉलो करने हैं जब आपने अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है। ये 2017 से लेके जितनी भी फाइल्स 2017 में ली गई थी और 2022 तक ये तमाम क्राइटेरियाज आपको बता दिए गए हैं, इन क्राइटेरिया को फॉलो करके, इन रूल्स को फॉलो करके आप अपनी फाइल को ईजीली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं।
इसी के साथ साथ लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई हदशात हैं, तो आप हमें कॉल पे भी हमसे रابطہ कर सकते हैं। रابطہ करने के लिए आपने सिर्फ स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमसे रابطہ करना है। हम आपके लिए अवेलेबल हैं हर वक्त इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप मज़ीद अपडेट्स चाहते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से या फिर मज़ीद किसी भी सोसाइटी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को लाजमी फॉलो करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।